नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस पे। दोस्तों, बिहार स्टेट परीक्षा में इस समय जो आंसर की जारी की गई है उसको क्लेम करने के लिए टाइम दिया गया है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए कल दोपहर 4 बजे तक का टाइम छात्रों को दिया गया है। तो छात्र बहुत ही परेशान है इस समय कि आखिर क्लेम किस तरह से करें, क्या क्लेम सबको करना है, कितना पैसा पड़ेगा क्लेम का, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही परेशान है छात्र। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं छात्रों के लिए बनाया है क्योंकि जो ग्रुप में छात्र जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उन सबको तो इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है, लेकिन बहुत सारे छात्रों की कॉल मेरे पास आ रही है। एक एक व्यक्ति को पूरा प्रोसेस समझा पाना मेरे लिए संभव नहीं है और लगातार कॉल आ रही है, तो मैंने इस वीडियो को बना के सबको समझाना ही उचित समझा है। तो सबसे पहला प्रश्न जो छात्र पूछ रहे हैं कि जो क्लेम करेगा केवल उसी के नंबर बढ़ेंगे क्या, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो भी क्लेम करेगा केवल उसी के नंबर बढ़ेंगे, बाकी लोगों के नंबर नहीं बढ़ेंगे। इसलिए क्लेम सबको करना है और क्लेम करने का प्रोसेस क्या है वो प्रोसेस तो अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ पर किस तरह से आपको क्लेम करना है। आगे एक और प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं, क्लेम करने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो देखिए, क्लेम करने के लिए जो फीस मांगी गई है वो 50 रुपये मांगी गई है, लेकिन इस 50 रुपये के पेमेंट करने के लिए आप जिस भी मेथड का यूज करेंगे कुछ चार्ज वहाँ पर भी लगेगा। तो कहीं कहीं पे 61 रुपया, कहीं कहीं पे 70 रुपये, कहीं कहीं पे 74 रुपये लग रहे हैं इस क्लेम को करने के लिए। तो इतना पैसा तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। क्लेम आप अपने आप भी कर सकते हैं अगर आप थोड़े से होशियार हैं, मतलब कंप्यूटर और लैपटॉप या मोबाइल का अच्छा यूज करना जानते हैं। अदरवाइज आप चुपचाप साइबर कैफ़े में चले जाइए और वहाँ पे अपना क्लेम करवा लीजिए। और इस क्लेम से फ़ायदा ये होगा कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अब जैसा कि हमने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि म्यूजिक पेपर 1 में माध्यमिक वाले में कितने नंबर क्लेम में आ रहे थे, और उसी तरह से पेपर 2 में भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न क्लेम में आ रहे हैं, तो उन सब के नंबर आपके बढ़ जाएंगे। इससे फ़ायदा उन लोगों को होगा जो बॉर्डर लाइन पे है। अब जिसको 75 नंबर लाना है पास होने के लिए, उसके 70 नंबर बन रहे, अगर 18 नंबर उसको क्लेम से मिल जाए तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे और उसके नंबर 70 की जगह 88 हो जाएंगे। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि क्लेम क्या सबको करना है। कुछ लोगों के प्रश्न ये आ रहे हैं कि अगर भाई मेरे तो 95 नंबर है, मेरे 95 नंबर, मैं क्लेम क्यों करूं, मैं तो ऑलरेडी पास हूं। तो भाई क्लेम आपको भी करना चाहिए क्योंकि बिहार सरकार का कोई भरोसा नहीं है। बिहार सरकार हो सकता है, मतलब हो सकता है, मैं कह रहा हूं, कुछ लोग ऐसा मत करने लगे कि गवर्नमेंट ने आपको बताया है क्या, ऐसे कमेंट मत करने लगे, ऐसे कमेंट असमझ लोग करते हैं। मैं कह रहा हूँ हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि बिहार सरकार आगे आने वाली जो भर्ती हो रही BPSC उसमें एस्टेट के नंबर भी जोड़ सकती है, कुछ परसेंटेज जोड़ सकती है, जैसे UP में जुड़ते हैं टेट के, CTET के नंबर जुड़ते हैं TGT की परीक्षा में यहाँ पे, तो वो जोड़ सकती है। जैसे कि सॉरी, TGT में नहीं जुड़ते हैं, यूपी में जो BEd के होते हैं परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें जुड़ते हैं। तो लेकिन बिहार सरकार हो सकता है जोड़ दे, लेकिन TGT और PGT लेवल पर ये चीज़ें नहीं जोड़ी जाती हैं। लेकिन क्या भरोसा सरकार का, तो आप अपने लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 95 आपके नंबर बन रहे हैं, आप भी क्लेम कर दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लग रहा है इसमें, 70-80 रुपये लग रहे हैं। और ये जो क्लेम का लोग बोल रहे हैं कि 50 रुपये पर प्रश्न लग रहा है, तो पर प्रश्न 50 रुपये नहीं लग रहे हैं। आप एक बार एंट्री कर लीजिए क्लेम करने के लिए, 50 रुपये पेमेंट करके, यानी कि 61 रुपये या 74 रुपये या 70 रुपये पेमेंट करके आप अंदर चले जाएंगे। उसके बाद आप चाहे जितने प्रश्न पर क्लेम कीजिए, आपका और एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर प्रश्न नहीं लग रहा है। एक बार UP में निकला था तो वहाँ पे 500 रुपये पर प्रश्न का क्लेम का लग रहा था। आप सोचिए, 500 रुपये पर प्रश्न का क्लेम चार्ज, यहाँ तो 50 रुपये में पूरे जितने चाहे उतने प्रश्न आप क्लेम कीजिए। चलिए, अब जो है क्लेम यानी कि आपत्ति करने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यही वो ग्रुप है जिसमें बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं CP स्मार्ट क्लासेस के, जो म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, चाहे वो यहाँ पे क्लास करते हो ना करते हो, लेकिन म्यूजिक के स्टूडेंट हैं तो इस ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कई बार सुबह से ये लिंक डाला जा चुका है जिस पर क्लेम करने का पूरा प्रोसीजर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इस लिंक को क्लिक करना है, इस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए, आपके सामने मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और ये ग्रीवांस वाला पोर्टल जो है खुल जाएगा। ये देखिए, खुल के आ रहा है बिल्कुल सामने, आपके सामने खुल के आ रहा है। मैंने क्लिक किया है इस पर और यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन
ऑब्जेक्शन ट्रैकर फॉर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर यहाँ पे डालना है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने एस्टेट के फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर डाला था वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर देना है, गेट ओटीपी, ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा, फिर अगली स्क्रीन आएगी उसमें ओटीपी मांगेगा, वो ओटीपी आप डाल देंगे। उसके बाद कौन सी स्क्रीन खुल के आएगी हम वो दिखाते हैं आपको। अब देखिए इस तरह की स्क्रीन खुल के आ जाएगी, आपका नाम यहाँ पर लिख के आएगा, जो भी नाम आपका है यहाँ पर नाम लिख कर आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है, मेक पेमेंट दिखा रहा है, जनरल व्यू क्वेरी ये सब दिखा रहा है। तो आप जब पेमेंट करने के लिए आ रहा है तो रोल नंबर यहाँ पे मांगा गया, रोल नंबर आप डाल दीजिएगा, एप्लीकेशन फ़ी ₹50 डाल दीजिएगा, और पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद ये स्क्रीन पेमेंट सक्सेस होने के बाद आती है, जब ओटीपी डालेंगे तो जो दूसरी नई स्क्रीन आएगी उसमें पेमेंट मांगेगा। तो पेमेंट करने के भी दो तीन तरीके हैं, कुछ डेबिट कार्ड दिया गया है और SBI का भी लिंक दिया गया है, इंटरनेट बैंकिंग का दिया गया है, UPI से पेमेंट नहीं ले रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा, UPI से पेमेंट नहीं ले रहा, फ़ोन पे गूगल पे जिसकी हम लोगों की आदत हो चुकी है पेमेंट करने की उससे पेमेंट नहीं ले रहा, तो इंटरनेट बैंकिंग या फिर जो डेबिट कार्ड वहाँ पे दिया गया है, दो तीन डेबिट कार्ड हैं, उन डेबिट कार्ड को आप रख के पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका खुल के आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन फॉर्म आएगा आपका, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा वो पर्सनल डिटेल, मास्टर क्वेश्चन पेपर, आंसर की, आंसर की लोग बोल रहे हैं हमको आंसर की दिख नहीं रहा, अरे भाई जब पेमेंट कर दोगे तो आपको आंसर की यहाँ पे दिख ही रहा ना, इसको क्लिक कीजिए, आंसर की आपको आएगा। हालांकि आंसर की कई बार ग्रुप में सुबह से कम 50 बार शेयर हो चुका है, जो भी नया बच्चा ज्वाइन कर रहा है, नया बच्चा आ रहा है, आंसर की मुझे चाहिए, तो कोई ना कोई शेयर कर दे रहा है। तो खैर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्ज़ाम डेट दे रहा है 10/9/2023, अगर आपने 10/9/2023 वाला दिया है तो 10/9/2023 देगा, अगर आपने 11/9/2023 दिया है तो 11/9/2023 देगा, अगर आपने दोनों दिया है तो दोनों देगा। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किसके लिए क्लेम करने जा रहे हैं। तो सेलेक्ट क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दे दिया, माध्यमिक म्यूजिक, माध्यमिक में म्यूजिक सब्जेक्ट के पेपर के लिए क्लेम किया जा रहा है। नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन यहाँ पे दिया रहेगा, सेलेक्ट करना होगा आपको। आगे यहाँ पे शिफ्ट दिया गया है, शिफ्ट 1 का है ये और शिफ्ट 2 का ये नहीं है। सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ से आपको वो क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है जिस पर आप क्लेम करने जा रहे हैं। पेपर 1 का कौन कौन से क्वेश्चन नंबर पे क्लेम करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सुबह वाले वीडियो में, पेपर 2 का मैंने नहीं बताया। इस वीडियो के बाद मैं पेपर 2 का विद प्रूफ, पेपर 2 यानी कि जो उच्च माध्यमिक वाला है उसका विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न गलत हैं, किस पर आपको क्लेम करना है और क्या प्रूफ लगाना है, क्योंकि जब तक आप प्रूफ नहीं लगाएंगे तब तक आपका क्लेम मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आप सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई बी की जगह सी होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे सी लिख देना है, ठीक है। और आगे यहाँ पे क्या करना है, अपलोड द डॉक्यूमेंट, आपको वो प्रूफ लगाना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है और वो फाइल आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में पहले से ले जाके रखनी है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद देखिए कैसे आएगा, अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, टिकट नंबर दे रहा है, रोल नंबर दे रहा है और सब्जेक्ट म्यूजिक दे रहा है, सब्जेक्ट कोड दे रहा है, मीडियम एग्ज़ाम का मीडियम क्या था, हिंदी था, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को क्लेम किया गया है यहाँ पे, क्वेरी टाइप क्या है, क्वेरी टाइप 4 है, मतलब 4 क्वेरी टाइप, नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन यहाँ पे जो आ रहा है ना, इस पर जब सेलेक्ट करेंगे तो आप क्या उसमें क्लेम करना चाहते हैं, कि आंसर गलत है या टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, या फिर जो आंसर होना चाहिए वो आंसर उसमें दिया ही नहीं है, तो इस तरह का होगा, ठीक है। सजेस्टेड आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेरी का डिस्क्रिप्शन, अब आपको यहाँ पे लिखना है भाई, आप क्वेरी का डिस्क्रिप्शन दीजिए, आप क्यों कर रहे हैं इसको, लिखा हुआ है इन्होंने इंग्लिश में लिखा, आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि एज पर संगीत विशारद बुक रिटन बाई बसंत पेज नंबर 249 विधिक स्वर आर उद्दत अनुद्दत एंड स्वंत इज गिवन इन ऑप्शन ए इज रिटन एज उद्दत इन, तो मतलब ये जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिखेंगे और ये भी लिखेंगे संगीत विशारद की बुक है किसके द्वारा लिखी गई है किस पेज नंबर पे दिया गया है।
और उसी पेज का आगे यहाँ पे शो अटैचमेंट में आपको उस पेज का फ़ोटो लगानी है। तो अभी मैं पेपर टू का विद प्रूफ सारी फोटोकॉपी के साथ एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल से सारे क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। अब जब ये आप कर देंगे तो ये आपका एक क्लेम हो गया एक प्रश्न का। अगला प्रश्न के लिए फिर वही प्रोसेस, आएंगे प्रश्न चुनेंगे। अब एक लाइन यहाँ पे आपकी बन गई, एक लाइन ये बन गई, दूसरी लाइन यहाँ पे और इसी तरह से ऐड होती चली जाएगी। तो जितने क्लेम आप करेंगे वो सारे क्लेम आपके यहाँ पे होते जाएंगे। तो इस तरह से क्लेम करना है। अगर किसी और को अभी भी दिक्कत हो रही हो क्लेम करने में तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दूसरी चीज़, फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन करने से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है और फ़ोन लगातार बज रहा है, मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ। आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है। जब वहाँ पे 10 लोग कर रहे हैं क्लेम तो आपकी क्वेरी भी उसमें सॉल्व हो जाएगी। कुछ लोग अकेले इधर उधर घूमते रहते हैं, किसी ग्रुप वगैरह में जुड़े नहीं होते, तो किसी भी ग्रुप में जुड़े जाइए। बहुत सारे आजकल ग्रुप बने होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग देख लीजिए। मैं भी अपने जो हमारी सीपी स्मार्ट का क्लासेस का ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूँ, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये सब चीज़ें आप सीख लीजिए और पेपर वन का क्लेम कर दीजिए। पेपर टू का मैं बता दूंगा आज रात में या फिर कल सुबह आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।